हेलो दोस्तों, फिर से अपना पते के स्वागत है मेरे नए ब्लॉग पर, जो कि आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ सीधी से रीवा बाई रोड कैसे पहुँचा जा सकता है। ये देखिएगा, रीवा यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है, जो कि हम लोग बाई कार आप लोग को दिखाने वाले हैं। ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत मौसम का नज़ारा देखने को मिल रहा होगा। ये हम आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे, देखिए यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, बगल में रोड का कार्य भी जारी हुआ है, जिससे गिट्टी पाथर पड़ा हुआ है। ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो सोचा मैं कि आप लोग के लिए दिखाऊं। ये देखिएगा, 500 मीटर अब टोल है, टोल गेट है, हम लोग टोल गेट पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग गए थे सीधी, तो मैंने आप लोगों के लिए सोचा एक वीडियो निकाल के लाऊं। ये देखिए, टोल गेट के पास हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर 65 रुपीज टोल लगता है और हम रीवा की तरह फिर से एक बार बढ़ चुके हैं धीरे धीरे धीरे। तो हम लोग गए थे सीधी, यानी सीधी ज़िला ऐसा ज़िला है, यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी बघेली ही है, रीवा की तरह अपने। तो हम लोग सोचे आप लोगों के लिए, पहाड़ी क्षेत्रों में से एक है ये, देखिएगा, यानी कि पहाड़ी, छोटे छोटे पहाड़ियों पे घर बने हुए हैं, जो कि देखने पर बहुत ही आनंद का अनुभव देते हैं। तो और आगे बने रहिएगा, वीडियो का स्किप नहीं करिएगा, जिससे आप लोग कुछ भी मिस ना करिए और देखते रहिए। अगर आप लोग को ट्रेवल ब्लॉग्स पसंद है, ये देखिएगा, आप लोग वीडियो देखते रहिए। यानी कि रोड तो ये टू लेन बनी है, यानी कि एक साइड से जाना है, एक ही रोड पर आना जाना दोनों एक ही साइड है। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए अब पहुंच चुके हैं धीरे 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 धीरे, यानी कि सीधी से सतना और रीवा की दूरी 72 किलोमीटर है। सतना की 72 प्लस 50 कर लीजिएगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हुए, ये देखिए कि यहाँ ढाबा आया, अब हम लोग चौराहट के पास पहुँचेंगे कुछ ही समय बाद। वो ये देखिए, कितना ही बहुत ही सुंदर मनोरम और बहुत ही सुंदर काट कर बनाया गया रोड है। अब हम लोग महादेव के क्षेत्र में आ चुके हैं। तो और आगे बढ़ते हुए वीडियो पर बने रहिए अपना पसे। देखिए, आप लोग मुझको ये कमेंट करिए कि मैं हिंदी पर ही वीडियो बनाऊँ या कि हिंदी जो बघेली बोल है और मिक्स करके ही बनाऊँ। देखिएगा, आप लोग बहुत आनंद आने वाला है और शानदार व्यू लेते रहिए आप लोग। और अब हम लोग आ गए आने ही वाले हैं, जल्द दोस्तों, जल्द से जल्द, यानी कि स्वान नदी, जो कि सोन नदी पर हम लोग आ चुके हैं, यानी कि जो कि अमरकंटक से निकलती है, यानी एक साइड चली गई उधर नर्मदा नदी हो गई और ये अपन साइड आ गई, यानी कि टमस नदी। यहाँ से बालू वालू भी बहुत सारा निकाला जाता है। ये देखिएगा, ये नई पुल बनी है, पहले तो उसमें नीचे पुल थी, जिससे पानी, मतलब एक तरह पाने में बहुत ही कठिनाइयाँ होती थी, सिंगल वो पुल थी। अब हम लोग चौराहट पहुँच ही गए हैं, तो वीडियो पर बने रही, ये देखिएगा जैसे हो गया। अब हम लोग ऊपर धीरे धीरे चढ़ते हुए, यहाँ से रीवा बचा है 47 किलोमीटर मात्र, जो कि क्या गजब का
व्यू आ रहा है दोस्तों। ये देखिए यहाँ लोग आ चुके हैं। चौराहट का बाईपास, यानी राइट साइड जाइएगा तो चौराहट पहुँचिएगा और लेफ्ट साइड जाइएगा तो रामपुर, लैकिन, बहबार, गोविंदगढ़ होते हुए उधर से रीवा जाएंगे। उधर से बहुत घूमना पड़ जाएगा दोस्तों। और अब आप लोगों को जिसका इंतज़ार था मेरे वीडियो पर, यानी कि क्या बोलते हैं, मोहनिया घाटी टनल, उसको वो अब आने वाला है जो कि एमपी के बहुत ही खास। ये हम लोग अमरपुर आ चुके हैं, छोटा सा गांव है। अब इधर ये टू लेन रोड है, ये देखिएगा दोस्तों, ये रेलवे का ओवरब्रिज बना हुआ है, बट नीचे से रेलवे लाइन अभी नहीं बनी है। कटरियों का कार्य भी अभी चालू नहीं हो पाया है दोस्तों। यहाँ से मतलब रीवा से ही सिरौली ललितपुर मार्ग के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई है। और अब आगे बढ़ते हुए आप लोग को बहुत ही आनंद आने वाला है। ये देखिए ट्रेक और एक भी जा रही है। ये देखिए दोस्तों, जिसका इंतजार था वापस का, यह आएगा है रीवा सीधी मोहनिया घाटी टनल। ये देखिएगा यहाँ भारतीय राष्ट्रीय मार्ग का है, यहाँ से ये नहर भी गई हुई है। आप लोग का स्वागत है टनल दो पर, जो कि मोहनिया गांव स्थित बना हुआ है। इसका नाम दिया गया है रीवा सीधी मोहनिया घाटी टनल। यानी इससे संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करीब 3.75 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। देखा अपना पसे, जो कि हमें को अनकट कर रहा हूँ, कट नहीं कर रहा हूँ, एकदम जैसा है वैसे दिखा रहा हूँ पूरा टनल। देखिए कितना समय लगता है, यानी कि यह बहुत ही हाईटेक टनलों में से एक है। हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टनल है, जो कि अब हम तो अपने नज़र से आज पहली बार दिख रहे हैं इतना बड़ा टनल। तो अगर अपना पटे रीवा से भी सतना शहडो वाले आ हैं तो एक लाइक कमेंट जरूर करिए कि हम यह जिला से देखें तो लाभ है। ये देखिए यहाँ से बाईपास भी दिया गया है, अगर आपका मन हुआ कि लौट जाएँ तो यहीं से क्रॉसिंग होकर बैक रिटर्न कर लें। यह घाटी इससे बनने से दोस्तों, यानी कि आधा घंटा का समय बच जाता है। पहले हम लोग घाटी की तरफ जाते थे तो कम से कम उसमें दोस्तों 35 से 45 मिनट का समय लगता था, जो कि 5-7 किलोमीटर लंबा पड़ जाता था। उसमें से केवल 5 मिनट के अंदर हम लोग इस पार से रीवा से सीधी की ओर बस चलेंगे। और ये देखिए आप लोग नज़र बहुत ही नज़र, ये देखिए एक और ये, यहाँ बहुत सारे कैमरों का इस्तेमाल किया गया है जिससे सुरक्षा बनी रहे। ये देखिए आखिरकार हम लोगों ने टनल को क्रॉस कर लिया है। हैप्पी जर्नी। अगर आप लोग नहीं आए हो चलिए आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। यह पुरानी रोड है रीवा, यानी कि 35 किलोमीटर। अभी देखिए बगल में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट बना हुआ है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा ही सोलर प्लांट है, जो कि हमारे रीवा जिले के गुड़ के बदबार क्षेत्र में बना हुआ है। ये देखिए अब आगे बढ़ते हुए देखिए जहाँ देखा वहाँ अपना का सोलर या प्लेटें लगी हुई होंगी, तो और अपना पास एंजॉय करिए। पहले यह बदबार क्षेत्र में दोस्तों आप लोग एक और बात बताना चाहता हूँ, जो कि आप लोग नहीं जानते होंगे शायद, यहाँ पर हमारी भारतीय सेना युद्धाभ्यास करती थी, यानी कि हर साल यहाँ पर युद्ध का अभ्यास किया करती थी। और ये देखिए एकदम पथरीला पहाड़ ही मान लीजिए इसको मलबार का। और अब हम लोग आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे अपना पास एक छह बात बताई कि हमारा ब्लॉग वीडियो आप लोग को कैसा लगा था। थोड़ा को भी इम्तहान लगा तो लाइक करी, कमेंट करी और कमेंट में बताई कि कौन मैं अपना वीडियो देखना चाहिए।
यानी कि शुद्ध हिंदी में ही बोल या फिर बघेली न बोली तो कमेंट जरूर करी ठीक है। यह बताइए कि अपना पर कहाँ से देखी थे, अपने क्षेत्र से हम ये देखिए प्रकृति के अलौकिक नज़ारा जो कि थोड़ा सा ही पत्थर पे पत्थर रखा हुआ है, यानी कि और हम लोग बढ़ चले हैं रीवा के बहुत करीब, यानी आने वाले हैं यह पुल का फिलिंग स्टेशन है यानी और रोड भी है। ये देखिएगा यहाँ से 2 किलोमीटर है, यानी कि जो पुरानी रास्ता था जस्ट आगे से ही है। तो यहाँ पहले हम लोग बचपन में दोस्तों साइकिल से आया करते थे और साइकिल से यानी कि 1.5 घंटा लगता था हम लोगों को यहाँ अपना एक्सपीरियंस आप लोग ये देखिए दूर का आ गया है बाईपास का पेट्रोल पम्प जो बना हुआ है और अब आगे बढ़ते हुए यानी कि ये तो गजबा आ रहा है बहुत मसालक लाल है ये देखिएगा और जो भी बना हुआ है कभी इसके अंदर भी आप लोगों को दिखा देंगे औद्योगिक क्षेत्र भूत रीवा यानी कि बहुत वहाँ भी बहुत ही देखने लायक चीज़ें हैं यानी कि भैरव बाबा भी हैं, महादेव हैं, भैरव बाबा यहाँ पर लेते हुए इकलौते होते हैं तो जो भैरव बाबा जी लेते हुए हैं बीच धार में एकदम ठंडाते ठंडाते ये हम लोग अब ये राइट साइड इधर से जाते आएंगे तो यहाँ से दीवा कम से कम 50 किलोमीटर दूर लिखा हुआ है 23 किलोमीटर तो हम लोग तहसील को क्रॉस कर गए हैं। वीडियो अपना पहले देखी जरूर लाइक करी तो चलिए कुछ दूरी बाद फिर मिली थी इंजॉय कर रहे हैं हम अपना साथ बने हैं या हम गए थे आज वहाँ से आप लोगों के लिए मैं मेरे माइंड में आया दोस्तों क्या ना बैठे ही बैठे एक बढ़िया बहुत शानदार नज़ारा आ रहा है तो अपना पते का एकदम मस्त शानदार नज़ारा दिखाते हुए एक ब्लॉग वीडियो भी बन गया। मुझे तो घूमने का बहुत इंटरेस्ट है फ्रेंड आप लोगों के लिए एक और चैनल अलग से बनाऊंगा उसमें केवल आप लोग को रोडों का ट्रेवल भी दिखाऊंगा। ये देखिएगा ये पेट्रोल पम्प आ रहा है हम लोग आ रहे हैं यहाँ से मकनपुर सफारी 23 किलोमीटर दूर पड़ता है दोस्तों यानी कि एशिया का सबसे बड़ा सफारी है बाइक का यह सफारी। ये हम लोग रिंग रोड आ गए हैं रीवा की पुलिया के पास। ये देखिए रिंग रोड, ये रिंग रोड घूमते हुए आप लोग को गोविंदनगर रोड में मिला देगी यानी कि रीवा का बहुत ही सारा विकास हुआ है समथिंग। और हम लोग बढ़ते हुए चिरहुआना स्वामी जी गया भी देखिए हम लोग लगभग ऑलमोस्ट रीवा पहुँच ही चुके हैं जिससे आप लोग को देखते रहिए इंजॉय करिए। देखिए चिरहुआनाथ स्वामी अब हम लोग आ गए हैं चिरहुआनाथ उसको क्रॉस करते हुए अपनी गाड़ी तेजी से बहुत तेज स्पीड में बढ़ते हुए हम लोग बूथ चौराहे के पास पहुंचने वाले हैं यानी कि पुलिस लाइन के पास। ये देखिए बूथ चौराहा बना हुआ है और ये पुलिस वालों का ही फिलिंग स्टेशन है यानी कि अंदर पुलिस के अंदर है। ये देखिएगा अब हम लोग पहुँचने वाले हैं सरस्वती शिशु विद्यालय जो कि आप लोगों को भव्य पहुँची के पास है यानी कि इसका कुछ पहली यही वाली सरस्वती स्कूल का निर्माण किया गया था। और अब हम लोग आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे ये भव्या टंकी मोड़ पहुँच चुके हैं और ये है हमारा हॉस्पिटल चौक गेट नंबर 2। दो मान लीजिए एक मान लीजिए सबसे ज़्यादा भीड़ यही होती है हमारे रीवा सिटी में दोस्तों। और यह जो संजय गांधी हॉस्पिटल बना हुआ है ये देखिएगा गेट नंबर 1 आ गया जो कि हम लोग
यानी कि बिल्हा का बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ है, यानी कि जबलपुर के बाद रीवा का ही नंबर आता है सर। और बहुत दूर दूर से हम लोग गल्ला मंडी सिरमौर चौक रोड पर घुसे हुए हैं, और अब हम लोग जस्ट आगे से मिलेंगे। ये देखिएगा जो साइन के साइन मंदिर रीवा जस्ट आगे आपको दिखाई दे रहा होगा। आप लोगों का स्वागत है रीवा का एक मार्क बहुत ही बड़ा मार्केट सिल्की प्लाजा, जो कि इंदौर के डिजाइन पर बना हुआ है दोस्तों। रीवा की शान और पहचान यह है। आप लोग को वीडियो कैसा ला, उम्मीद करी बहुत निकाह लाग हुई। हम हैं अपना से राकेश कुमार और अपना पास देख रहे हैं राकेश कुमार रावत ब्लॉग, जो कि हिंदी और बघेली मिक्स में ब्लॉग वीडियो आपको दिखाता है। तो अपना पते से उम्मीद करी थी एक लाइक कमेंट करके चैनल खत्म।